लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या खर्राटे हार्ट फेलियर का कारण बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खर्राटा एक आम समस्या है जिससे अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। ज़्यादातर बड़ों और बुजुर्गों में ये समस्या देखने को मिलती है। खर्राटा नींद में खलल डाल सकता है। किसी भी व्यक्ति को सोते समय खर्राटा तब आते हैं जब हवा नाक या मुंह से आसानी से प्रभावित नहीं हो पाती है। वैसे तो खर्राटा आना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में खर्राटा स्लीप एपनिया, स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी कुछ समस्याओं का कारण भी हो सकता है। लंबे समय तक खर्राटा लेने से टाइप 2 डायबिटीज, हृदय विफलता या हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम भी बढ़ता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को खर्राटा आ रहे हैं तो इस स्थिति को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई खर्राटा हार्ट फेलियर का कारण बनते हैं? हार्ट फेलियर या हृदय विफलता, हार्ट अटैक तब होती है जब हृदय की मांसपेशियां रक्त को उस तरह से पंप नहीं कर पाती हैं जिससे शरीर से करना चाहिए। यानी इस स्थिति में हृदय अच्छी तरह से रक्त का पंप नहीं कर पाता है। हार्ट फेलियर होने पर रक्त वापस आ जाता है। ऐसे में फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और फिर सांस लेने में तकलीफ होती। इसलिए सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होना हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं। इस स्थिति में तुरंत इलाज कराना चाहिए। खर्राटे और हार्ट फेलियर में संबंध क्या है वो भी आपको बता रहा हूँ। जब सांस लेने में रुकावट आती है तो खर्राटे की समस्या होती है। खर्राटा आना स्लीप एपनिया का एक लक्षण हो सकता है। स्लीप एपनिया में नींद के दौरान खर्राटा एक घंटे में कम से कम 20 से 30 बार सांस लेने में रुकावट महसूस हो सकती है। नींद की थकावट के कारण रक्त में ऑक्सीजन का स्तर गिरता है, साथ ही सांस में रुकावट की वजह से कोर्टिसोल और एंड्रेनालाइन दोनों तनाव हार्मोन का स्तर भी बढ़ता है। इसकी वजह से हार्ट फेलियर और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम बढ़ता है। इतना ही नहीं, ये हार्ट अटैक के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। हार्ट फेलियर से बचाव के टिप्स। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी डाइट में फल और सब्जियों को शामिल करें। हार्ट फेलियर से बचने के लिए नमक का सेवन भी सीमित करें। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए शुगर का सेवन कम करना चाहिए। खराब और धूम्रपान के हृदय से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए नियमित रूप से सक्रिय रहें, साथ ही अपना वजन भी कंट्रोल में रखें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।